हिट हुआ बिग बॉस सीजन 14, टीआरपी लिस्ट में आई उछाल। जी हाँ, जैसा कि आप सभी को पता है कि साल 2020 सभी के लिए खराब रहा, वैसे ही बिग बॉस सीजन 14 के लिए भी। लेकिन जैसे जैसे 2021 की शुरुआत हुई, वैसे वैसे शो में उछाल भी देखने को मिला। जी हाँ, फाइनली बिग बॉस सीजन 14 सुपरहिट साबित हो चुका है, जहाँ टीआरपी लिस्ट में बिग बॉस का नाम भी शामिल हो चुका है। वैसे तो नंबर 1 पर अनुपमा है 3.9 के साथ, लेकिन कलर्स के सुपरहिट शोज में नंबर 2 पर है बिग बॉस ने अपनी जगह बनाई। जी हाँ, नंबर 1 पर कलर्स की छोटी सरदारनी 2.0 के साथ, और वहीं पर बैरिस्टर बाबू 1.6, नमक इश्क का 1.8, शक्ति अस्तित्व के एहसास के 1.7। लेकिन बिग बॉस सीजन 14 वीकडेज में यानी कि मंडे टू फ्राइडे 1.6 रेटिंग के साथ सुपरहिट साबित हो चुका है। वहीं वीकेंड की वार पर तो मेजर बूस्ट देखने को मिला 1.9 के साथ। ऑल ओवर टीआरपी रेटिंग अगर इनकी बात की जाए तो 1.8 से इन्होंने कलर्स के नंबर 2 पर अपना नाम दर्ज करवा लिया है। वेल, अगर आपको बता दे कि 10:30 के बाद किसी भी शोज को 1.5 रेटिंग मिलती है तो वो सुपरहिट शोज में शामिल होता है। ज्यादातर लोग देर रात शोज देखना पसंद नहीं करते। वैसे तो आप सभी को पता है कि बिग बॉस सीजन 14 शुरुआती दिनों में तो बहुत ही बेकार तरीके से दिखाया जा रहा था, जहां कंटेस्टेंट काफी सुस्त नजर आ रहे थे। लेकिन मेकर्स ने बदलाव किए और चैलेंजर्स को घर में एंट्री दी, जिसके बाद लोगों को शो देखने में काफी ज्यादा इंटरेस्ट आने लगा और टीआरपी रेटिंग में भी उछाल देखने को मिली। वेल, क्या कहना है बिग बॉस सीजन 14 को लेकर, आप हमारे कमेंट में जरूर बताएं। टेलीविजन के लेटेस्ट अपडेट्स और चटपटी गॉसिप्स को जानने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।